गाइस वेलकम टू माय चैनल विंस द वर्ल्ड और मैं मनिका सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूं माय शुगर डैडी सीजन 2। और अब बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। जाओ जिसू जो म्यान के साथ खाना बनाने में हेल्प कर रहा होता है और जाओ जिसू पूरा एफर्ट लगा रहा होता है, लाइक म्यान बोल भी नहीं रही होती फिर भी वो काम कर ले रहा होता है, म्यान मना भी कर रही होती बट जाओ जिसू नहीं मैं करूँगा। और वहीं पर युवान वो थोड़ा काम से बच रहा होता है क्योंकि उसे इतना काम करना पसंद नहीं है, बट वो फिर भी कर रहा होता है क्योंकि उसे वूसी चाहिए और वूसी के लिए उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। म्यान युवान की तरफ देखती है और कहती है, तुम काम चोर हो, अगर मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दी तो तुम तो उससे पूरा घर का काम करवाओगे, खुद तो कुछ मदद करोगे ही नहीं। अपना जो युवान होता है वो कहता है, मैं सर्वेंट रख लूँगा, मेरे पास वैसे भी अच्छी खासी कंपनी है। म्यान कहती है, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, तुम्हारी अच्छी खासी कंपनी तो है बट तुमने एक भी इस्टेब्लिश नहीं किया है, लाइक एक भी तुमने खड़ा नहीं किया है। तुम्हारा मोल बहुत सारे हैं, बहुत ही अनगिनत, पर तुम्हारे मेहनत का एक भी नहीं है, सारे तुम्हारे बड़े भाई की है, मतलब ये भाई की है। तुमने आखिर आज तक उखाड़ा क्या है ऐसा कि तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूँ, बोलो। युवान अब एकदम शांत हो जाता है। जाजुसु कहता है, मम्मी जी इतना गुस्सा मत कीजिए, युवान काफी अच्छा लड़का है, मैं उसको जानता हूँ। म्यान कहती है, पर मैं इसे अच्छे से नहीं जानती और अगर इसकी ऐसी हरकत रही तो मैं जानने में इंटरेस्ट भी नहीं लूंगी। युवान ये अच्छा रहेगा कि तुम थोड़ा सा बातों को सीरियस लो, ये जो काम है ना बहुत ही छोटे से हैं पर ये काम डिसाइड करते हैं कि मैं अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगी या फिर नहीं, ये याद रखना। और हाँ, तुम जानते होंगे कि घर में माओ का बहुत चलता है और मेरे से बड़ा कोई है नहीं, मैं इन सब की माँ हूँ तो मेरा तो ज़्यादा ही चलेगा, तो फटाफट काम करो। युवान कहता है, जी जी मम्मी जी। और ये कहते ही जो काम दिया होता है म्यान ने वो करने लगता है। जाओ जिसो भी म्यान की हेल्प कर रहा होता है, म्यान मना कर रही होती है कि मत करो बट जाओ जिसो कर रहा होता है। तभी जाओ जिसो का कोई कॉलर पकड़ लेता है, अपना जाओजुसू देखता है तो अपने वहाँ पे रुयू थे, रुयू अब जाओजुसू को ले जाने लगते हैं। जाओजुसू कहता है, क्या हुआ आप मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? रुयू कहता है, तुम मेरा काम करोगे, म्यान का नहीं, म्यान तो मैं स्वीकार कर चुकी है, मैंने नहीं किया ना, तो मेरा काम करो। और ये कहते ही उसे घसीट के ले जाता है। म्यान हल्का सा हंसती है और कहती है, गया जाओजुसू, रुयू आज सच्ची में जोश में लग रहे हैं। अभी जो युवान होता है ना हंसने लगता है, अपनी जो म्यान होती है वो कहती है, हंसना बाद में, तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है बट यहाँ पे दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फटाफट काम करो। युवान कहता है, हाँ हाँ जी मैं करता हूँ, और ये कहते ही काम करना स्टार्ट कर देता है। अभी हमें लिबू को दिखाया जाता है जो एक हेयरिंग कर रहा होता है, उसे केस मिला रहता है जिसकी हेयरिंग आज थी तो अपनी हेयरिंग में ही था एंड वो केस जीत गया होता है, बट लिबू थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा होता है क्योंकि जो ये भाई है उसके पीछे पीछे आ गया होता है, वो वहीं पे बैठा रहता है। जब इंसाफ मिल जाता है तो लिबू शुक्रिया कहता है, लाइक जो जज होते हैं उनको शुक्रिया कहता है और फिर से मुड़ के जाने वाला रहता है, लाइक अपने चेयर पे बैठने वाला रहता है। तभी उठता और कहता है, केस सॉल्व हो गया है बट यू ऑनर क्या आप मुझे भी इंसाफ दिला सकते हैं? अभी जो वकील होते हैं वो कहते हैं, आज केस तुम्हारा नहीं है। भाई कहता है, छोटा सा ही केस है, प्लीज़ 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 मुझे भी इंसाफ दीजिए ना। लिबू कहता है, भाई तुम ऐसा मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं। ये भाई जज के सामने जाता है और कहता है, देखिए ना इस खड़ूस वकील लिबू को, मैं इतने दिन से उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ बट वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, प्लीज़ आप मुझे भी इंसाफ दिला दीजिए, कहिए ना इससे कि ये मुझे प्यार करे। लिबू को ना भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो इन सब लड़कों में से नहीं है जिनके लिए ऐसी हरकतें किया जाए और वो बहुत ही खुश हो जाएगा, उनको ये सब इरिटेटिंग लगता है और लिबू को अपना रेपुटेशन बहुत ही प्यारा है और अभी काइंडली ये भाई उसकी रेपुटेशन गिरा रहा है। अभी जो जज होते हैं ना वो जो ऑर्डर करते हैं उस हैमर को 3 बार मारते हैं और कहते हैं, यहाँ पे ये सब बातें नहीं चलेगी, तुम्हारी जो पर्सनल थिंक है वो आपस में सुलझाओ, कोर्ट की बेइज्जती मत करो। और ये कहते ही उठ जाता है, लिबू की तरफ देखता है, मतलब जज लिबू की तरफ देखता है और लिबू को ना बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि किसी भी जज ने उसे ऐसे नहीं देखा होता है। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, लिबू गुस्से से जा रहा होता है अपने कार की तरफ और भाई उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लिबू भाई का हाथ झटकता और कहता है, मैंने जो तुम्हें मौका दिया है ना, मुझे वो मौका देना ही नहीं चाहिए था, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दी है, तुम्हें पता है ये भाई? ये भाई कहता है, मैंने क्या किया?
लिवो कहता है, क्या था वो, क्या कर रहे थे तुम? आर यू मैड? लिटरली मैं वकील हूँ, वो जज था, मेरी कितनी अच्छी खासी रेपुटेशन है और तुमने सबके सामने मिट्टी में मिला दिया। भाई मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, ये ना निब्बा निब्बी को पसंद होगा ऐसी हरकतें सबके सामने ओपनली कहना कि हाँ ये मेरा लवर है, ये अजीबोगरीब हरकतें करना, स्टेडियम में आई लव यू वाला बोर्ड लेके खड़े हो जाना, आई डोंट लाइक दिस, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। तुम ना अपने जैसा पर्सन ढूंढो जो चुलबुला हो, मस्ती करे, तुम्हारे जैसे बचकानी हरकतें करे, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मेरे सामने ऐसी हरकतें मत करना, और जो तुमने आज किया है ना वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। कसम से मुझे तुमसे बात करने का भी मन नहीं हो रहा है, मेरी इज्जत को तुमने एक मिनट में मिट्टी में मिला दिया है। वो जज जानते हो, मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं महान वकील बनूंगा, तुम्हारे वजह से उनने मुझे अजीब तरीके से देखा, आज तक नहीं देखा मुझे, मुझे कैसा फील हो रहा है तुम समझ नहीं सकते हो। अभी ना लीवो बहुत ही गुस्से में था, भाई थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा होता है। अभी लीवो ना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है क्योंकि वहाँ से वकील आ रहे थे जिनसे उनने लड़ा है, लाइक उनसे उनने केस जीता है। अभी वो जो वकील आते हैं ना, लीवो को देख के एक अजीब सा साइकेट्रिस्ट वे में स्माइल करके जाते हैं, जो लीवो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लीवो भी बहुत गुस्से में था, वो कहता है भाई से, चुपचाप कार में बैठ जाओ और नेक्स्ट टाइम मेरे साथ आने की कोशिश भी मत करना, और ये कहते ही कार में बैठ जाता है, भाई भी बैठ जाता है। वो लोग ना घर आ जाते हैं, गुजान अपने सूट के लिए गई होती है, बाकी घर में जितने ही मेंबर थे वो वहाँ पे थे, लाइक वो हॉल में ही थे। लीवो गुस्से में ना अपने कमरे में जाता है, रुयु और म्यान उसे रोकते भी हैं, बट लीवो रुकता नहीं है, फिर म्यान और रुयु भी कुछ नहीं कर पाते हैं। भाई ना अब एक उदासा चेहरा बना के अंदर आ रहा होता है, वैन गेजिंग जाओजुसु ये देख लेते हैं अपना, वैन गेजिंग और जाओजुसु बाई का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाते हैं। अभी रुयु उठ जाता है और कहता है, वैन गेजिंग उनके साथ क्यों जा रहा है? म्यान कहती है, शांत भी हो जाओ, क्या छोटी सोच है तुम्हारी, बस अंदर ही तो जा रहा है। रुयु कहता है, पर फिर भी क्यों जा रहा है, उसको जाओजुसु से दूर रहना चाहिए। म्यान कहती है, कमरे में जाके वो सबके सामने किस नहीं करेंगे। रुयु कहता है, मैंने कब बोला कि वो किस करेंगे? म्यान कहती है, तुम्हारा डर मैं समझती हूँ, काफ़ी सालों से जानती हूँ तुम्हें, तुम भूल रहे हो हम एक साथ में ही फौज में थे, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो प्लीज़ ओवरथिंकिंग मत करो। अभी ना युवान भी उनके पीछे चला गया होता है, जाओजुसु पूछता है बाई से कि हुआ क्या, बाई सब कुछ बता देता है कि हुआ क्या। वैन केजिंग कहता है, बाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि लीवो हमारी तरह नहीं है, लीवो भैया बहुत ही सीरियस रहने वालों में से हैं, एंड सच्ची में जो तुमने किया है उनके लिए बहुत ही इंसल्टिंग होगा, बिकॉज वो ऐसे पर्सन नहीं है, उनको पसंद नहीं आता है ये, और वो कोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं देख सकते, लाइक बिल्कुल नहीं। भाई कहता है, पर मैं ऐसा ही हूँ ना, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं ऐसी ही हरकतें करता हूँ। युवान कहता है, भाई आप रोइए मत, आपको रोता हुआ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जाओजुसु कहता है, ये भाई अपने भाई के सामने मत रो प्लीज़। अभी वैन गेजिंग कहता है, भाई तुम रो लो, जितना रोना है रो लो, पर ये बात समझो, तुम अलग पर्सन हो, वो अलग पर्सन है, अगर तुम उन्हें पाना चाहते हो तो तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि लीवो भैया तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तुम उनसे प्यार करते हो, तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, और तुम खुद को नहीं बदल सकते तो भाई को छोड़ दो, पर भाई सीरियस पर्सन में से हैं, उनको ये सब मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, एंड सच्ची में मैं कह रहा हूँ आपको बुरा लगेगा, बट आई एम लिटरली सॉरी, बट आपकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं भाई को जानता हूँ, वो भी कैसा फील कर रहे होंगे, वो तुम पे गुस्सा तो कर दिए होंगे, बट वो अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, माफ़ करना। और ये कहते ही वैन केजिंग वहाँ से चला जाता है। अभी हमें लीवो को दिखाया जाता है जो बाथटब के अंदर लेटा हुआ था, बाथटब में पूरा पानी था और उसने अपना मुंह अंदर रखा हुआ था, लाइक बाथटब के अंदर ही उसका मुंह था, पूरा पानी से भरा हुआ था, काफ़ी देर तक उसने पानी के अंदर ही अपनी सांसें रोकी हुई थी, अब वो पानी से बाहर आता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। अभी लीवो का फेस एकदम क्लीन था, बट धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, लीवो की आंखें एकदम रेड हो गई होती है रोने और पानी के अंदर रहने की वजह से, लीवो की आंसू शांत ही नहीं हो रही होती है, वो आंसू क्लीन कर रहा होता है पानी के अंदर, वापस से लेट जा रहा होता है, बट वो जैसे ही पानी के ऊपर आता है उसकी आंखें फिर से आंसू से भर जाती है। फिर बात का सीन दिखाया जाता है, म्यान लीवो को बुलाने आई होती है कि खाना खा ले, बट अपना जो लीवो है
है ना मना कर देता है और कहता है वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। काफी लोग लीबू को बुलाए होते हैं बट लीबू किसी के कहने से बाहर नहीं निकल रहा होता है। अभी बाई लीबू के गेट के पास जाता है और कहता है, लीबू, बाई का आवाज़ सुन के लीबू कहता है, चले जाओ प्लीज़, चले जाओ यहाँ से बाई। बाई कहता है, मैं अंदर नहीं आ रहा, पर मेरी बात सुनो, आई एम लिटरली मैं सॉरी, मैं नहीं जान सकता तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर मैं ऐसी ही हरकत करने वालों में से हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, आई एम लिटरली सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर प्लीज़ खाना खा लो, बहुत ही सब टेंशन में है, आपकी मम्मी का चेहरा बड़ा अजीब बन चुका है, रुयू अंकल भी टेंशन में है, तो प्लीज़ बाहर आके खाना खा लो, मेरी गलती की सज़ा सभी को मत दो, आई एम लिटरली मैं सॉरी लिबू, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बदलने की, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, खाना खाने आ जाओ प्लीज़। अभी भाई ये सभी कह रहा होता है, लिबू अब गेट खोलता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई बदले, मैं सच्ची में नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई बदले, इसलिए मैं सबसे दूर रहता हूँ, मैं ऐसे पर्सन के पास ही जाता हूँ जिसको बदलना ना पड़े, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए बदलो, और ऐसे इंसान को मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे से दूर रहो भाई। भाई कहता है, 10 दिन का मौका है ना, मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाना चाहता हूँ कि अंत में मुझे अफसोस ना हो कि मैंने अपनी पूरी एफर्ट नहीं लगाई, तो प्लीज़ बाहर आके अभी खाना खा लो। अभी लीबू ना बाहर चला जाता है, अपने लिए खाना ले लेता है, सारे के सारे वहीं पे चुपचाप लीबू को देख रहे होते हैं। लीबू खाना लेके अपने कमरे में चला जाता है, वो अभी ड्राइंग टेबल पे बैठ के खा ही नहीं सकता था सबके सामने, क्योंकि वो अभी बहुत ही गुस्से में है, वो किसी पे गुस्सा कर दे और वो ये चाहता नहीं है, इसलिए वो कमरे में चुपचाप खाता है। कहानी शिफ्ट होती है वांग पे, वांग नाइट भर रो रहा होता है, वो नाइट में सोया भी नहीं होता है, जिस वजह से उसकी आँखें बड़ी अजीब लग रही होती है, उसकी आँखें अभी भी नम थी। वांग अभी एक पहाड़ी साइड एरिया में आया होता है जहाँ पे एक बस का एक्सीडेंट हो गया होता है, इसलिए वांग को वहाँ पे भेजा गया होता है क्योंकि वो जगह उसके वाले पुलिस स्टेशन से बहुत करीब थी। लाइक वांग एक जेलर है बट वो कभी कभी ये भी काम कर लेता है। वांग वहाँ पे आया होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे एम्बुलेंस भी आने लगती है और बहुत से डॉक्टर भी आए हुए रहते हैं, क्योंकि बस बड़ा था, बस में बहुत सारे लोग थे और बहुत गंदी एक्सीडेंट हुई थी। वांग अब थोड़ा आगे तक जाने लगता है, एक डेड एंड आता है जहाँ पे वांग देखता है कि एक लड़का खड़ा है, वांग सोचता है कि वो लड़का जंप मारने वाला है, लाइक वो सुसाइड करने वाला है, इसलिए वांग फटाफट उस पर्सन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है, जिस वजह से वो जो पर्सन है वो वांग पे गिर जाता है। दोनों बहुत ही क्लोज आ गए होते हैं, वांग उस पर्सन का चेहरा देखता है तो फिर कहता है, फई तुम पागल हो, तुम सुसाइड करने वाले थे? फई कहता है, नहीं सर, मैं रो जरूर रहा हूँ पर ये नहीं है कि मैं सुसाइड करूँगा। अभी फई की भी आंखें ना एकदम वांग की आंखों की तरह थी, क्योंकि दोनों ने ही खूब रोया है। वांग कहता है, तो तुम वहाँ पे खड़े क्यों थे? फई कहता है, फ्रेश हवा खाने के लिए। वांग कहता है, ये कौन सी फ्रेश हवा आ रही है वहाँ पे? पता है थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो तुम मर सकते थे। फई कहता है, मैं नहीं मरता, मेरी आदत है, मैं बहुत ही अच्छा बैलेंस बना लेता हूँ। वांग कहता है, जब किस्मत खराब होता है ना तो कोई भी बैलेंस काम नहीं करता है, आज के बाद ऐसी जगहों पे खड़े मत होना, ठीक है? फई कहता है, जी सर, आपने बोला है, आपकी बात तो मानूंगा ही। अभी फई का ऐसी वॉइस, ऐसी आइज देख के वांग को अजीब लगता है। वांग कहता है, तुम रो क्यों रहे हो इतना? फई कहता है, कुछ नहीं सर। वांग कहता है, बोलो भी मुझसे। फई कहता है, जिससे प्यार किया उसने मुझे अपनाया नहीं, वो किसी और से प्यार करता है और वो पर्सन भी उससे प्यार नहीं करता। कितना अजीब लगता है ये सुन के। वांग अभी एकदम साइलेंट था। फई कहता है, सर आप उसे प्रपोज कब करने वाले हैं जिसे आप पसंद करते हैं? वांग कल की बात याद करता है, फिर वांग कहता है, मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकता क्योंकि उसे कोई और पसंद है और वो उसे किस भी कर रहा था। अपना फई कहता है, आपने देखा? वांग कहता है, हाँ। फई कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। वांग अब कुछ नहीं कहता है। वांग फई का वही रोता हुआ चेहरा बार बार देख रहा होता है, लाइक उसका चेहरा अजीब सा हो गया होता है। वांग अब फई के चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे ये जान के भी कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं शायद तुमसे प्यार ना कर पाऊँ, क्या तुम मुझे मौका दोगे? फई स्माइल करता है और कहता है,
क्यों नहीं सर, आपको तो मैं जरूर मौका दूंगा। और प्यार तो कोई ना कोई किसी ना किसी से तो करता ही है। देखिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई मेरे से प्यार करता होगा, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना। पर हमारी किस्मत में जो लिखा हो वो तो हमें मिलता ही है। अगर आप मेरी किस्मत में नहीं लिखे होंगे तो मुझे आप नहीं मिलेंगे, आपको कभी मेरे से प्यार नहीं होगा। पर अगर आपको मेरे से प्यार हो गया तो ये मेरी किस्मत होगी ना सर। पांग स्माइल करता है और कहता है, तो तुम मुझे मौका दोगे? फई कहता है, सर आप मुझे मौका दे रहे हैं। अभी वांग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वे वांग और फई दोनों के दोनों साइलेंट हो गए होते हैं। जो फई रहता है वांग के लिप्स के क्लोज जाने लगता है, बट वांग उसके थोड़े लिप्स से दूर हो जाता है, क्लोज नहीं जाता है, दूर हो जाता है। ये देख के फई को अच्छा नहीं लगता है, लाइक वो रियलाइज करता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा था। इसलिए फई अपना फेस नीचे कर लेता है, बट वांग उसके फेस को उठाता है और उसे किस करने लगता है। अभी वो दोनों किस ही कर रहे होते हैं, अभी उन दोनों को पीछे से कोई देख रहा होता है और वो होता है अपना मेंगरोंग। जो डॉक्टर आए होते हैं उन डॉक्टर में से मेंगरोंग भी आया होता है। मेंगरोंग एक कॉल अटेंड करने के लिए आगे आया होता है और उसने ये सब देख लिया होता है। मिंगरुंग तो जैसे टूट गया होता है, क्योंकि मिंगरुंग फई से प्यार करता है, वो कभी कह नहीं पाया बट वो उससे प्यार करता है। मिंगरुंग की आंखें पूरी नम थी। मिंगरुंग कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद मिल गई, पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि तुम मुझे नहीं मिल पाए। मुझे तकलीफ हो रही है पर मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अभी जो मिंगरुंग होता है अपने आंसू साफ करता है और वापस वहाँ पे जाने लगता है पेशेंट के पास, क्योंकि अभी उसको पेशेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शिफ्ट होती है अपने प्यार से फैमिली पे। रुयु जो बैठा हुआ था और जाओ जिसु उसके सामने खड़ा था। अभी रुयु जाओ जिसु से कहता है, ऊपर जो दूसरी टंकी है ना तुम्हें उसे साफ करना है। जाओ जिसु कहता है, टंकी साफ करना है? रुयु कहता है, और क्या, ऊपर वाली टंकी साफ कर दो, बहुत गंदी है। जाओ जिसु कहता है, ठीक है पर मेरी हेल्प कौन करेगा? अपना रुयु कहता है, हेल्प की क्या ज़रूरत है, अकेले कर लेना। अपना जाओजुसु कहता है, ओके। अभी जाओजुसु टेरेस पे जाता है, टेरेस के भी ऊपर एक जो फ्लोर होता है ना जहाँ पे टंकी रखा जाता है उस पे चढ़ता है और जो दूसरी वाली टंकी थी उसको खोलता है और वो टंकी बहुत ही गंदी थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी। जाओजुसु को ना उल्टी जैसा होने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही हाइजेनिक इंसान है। बट जाओजुसु फिर भी अपने पैंट को ऊपर करता है एंड टंकी के अंदर चढ़ता है। जितने पानी होते हैं, थोड़े बहुत बचे पानी, उसको निकाल देता है एंड जो स्क्रब होता है ना पेट हल्का वाला, उस पेट से उसको साफ करने लगता है। अंदर ना बहुत सारे वो लेयर होते हैं ना वाइट वाइट कलर के, वो जम गए होते हैं जिसको उखाड़ना पड़ रहा था और जाओजुसु बहुत थक गया था। अंदर टंकी में रहना बहुत ही घुटन टाइप का होता है और जाओजुसु वहीं पे साफ कर रहा होता है, उसको बहुत ही गर्मी लग रही होती है। अभी ना जाओजुसु के फेस पे हवा आती है। जाओजुसु जब ऊपर देखता है तो जो वैन केजिंग होता है ना वो उसे गत्ते से हवा हाँक रहा होता है। अभी जो जाओजुसु होता है टंकी से निकलता है, लाइक खड़ा होता है और कहता है, वैन केजिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल जी ने बोला है कि मुझे अकेले साफ करना है, तुम चले जाओ फटाफट। वैन केजिंग बोलता है, हाँ तो तुम अकेले ही साफ कर रहे हो ना, मैं कौन सी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ना ही मैंने तुम्हें पानी निकालने में हेल्प किया, ना ही तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें हवा हाँक रहा हूँ और तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तो इसमें क्या टेंशन हो सकता है, तुम्हारी मदद करूँ तब टेंशन होगा ना। जाओजुसु कहता है, फिर भी वैन चले जाओ यहाँ से। वैन केजिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, अब चुपचाप टंकी साफ करो, बहुत गर्मी है ऊपर। अपना जाओजुसु कहता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि नीचे चले जाओ, बीमार पड़ जाओगे। वैन केजिंग कहता है, हाँ 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 ये मत भूलो कि मैं भी एक लड़का ही हूँ, मेरी भी चमड़ी लड़कों जैसी सख्त है, ठीक है, मैं बस थोड़ा क्यूट सा हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ। जाओजुसु आई एम द बॉय, तुम एक लड़के को डेट कर रहे हो, एक लड़की को नहीं, तो मैं इतना धूप तो सह ही सकता हूँ, मैं उन कमसिम कलियों में से नहीं हूँ जिनको धूप में रहते ही टैनिंग हो जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं, नहीं नहीं मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं और मेरा भाई धूप में फुटबॉल खेला करते थे, कितनी मस्ती करते थे हम दोनों, और लड़कों की ना धूप की आदत होती है, तो चलो फटाफट साफ करो।
जाजुसु कहता है, तुम्हारा ना कोई कुछ नहीं कर सकता है लावन। और ये कहते ही जाजुसु फिर टंकी साफ करने लगता है। वैन केजिंग स्माइल करता है और उसे हवा हाँक रहा होता है। जाजुसु अभी साफ ही कर रहा होता है। वैन केजिंग कहता है, शादी के बाद ना हम दोनों नौकर नहीं रखेंगे। जाजुसु वैन केजिंग की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वैन केजिंग ने शादी के बाद कभी नहीं की है कि शादी के बाद ये होगा वो होगा। इनफैक्ट उसने तो कभी बोला भी नहीं था कि वो दोनों शादी करेंगे, बट अचानक से शादी के बाद सर्वेंट नहीं रखेंगे। वैन केजिंग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, सही बात है, हम दोनों काम करेंगे ना, मैं भी काम सीख लूंगा, तुम भी सीख लेना। सुबह का काम तुम कर देना, शाम का काम मैं कर दूंगा। क्या ना, सुबह मेरे उठने की आदत नहीं है जल्दी, तुम तो उठ जाते हो ना, तो सुबह का काम तुम्हारा, शाम का काम मेरा। जाजुसु स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। वैन केजिंग कहता है, हम ना दो बच्चे अडॉप्ट करेंगे। अब जाजुसु वैन केजिंग की तरफ फिर से देखने लगता है, क्योंकि बच्चे, वैन केजिंग कहता है, क्या बच्चे जरूरी होते हैं? दो बच्चे रखेंगे, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम मैं रखूंगा, लड़के का नाम तुम रख देना, जाजुसु कहता है। पर क्यों, मुझे तो लड़की का नाम रखना है। वैन केजिंग कहता है, अरे लड़के का नाम रख देना ना, लड़की का नाम मैं रखूंगा, कायला नाम रखूंगा, अच्छा है ना। जाजुसु अजीब सा फेस बनाता है और कहता है, कायला ये कैसा नाम है? वैन केजिंग कहता है, बहुत अच्छा नाम है। जाजुसु कहता है, नहीं, चिसे नाम रखेंगे अपनी बेटी का। अपना वैन केजिंग कहता है, चिसे ये कैसा नाम है, कायला अच्छा है। अब जाजुसु कहता है, चिसे अच्छा है। वैन केजिंग कहता है, कायला अच्छा है। दोनों ऐसे ही नोक झोंक कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं रहता है कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। रुयु जो नीचे था और वो चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। अभी मियान भी वहीं पे थी, वो कहती है, चुपके चुपके बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। रुयु कहता है, तुम भी तो यहीं पे हो। मियान कहती है, वो तो मैं ऐसे ही आई थी। तो रुयु कहता है, तो मैं भी ऐसे ही आया था। अपनी मियान स्माइल करती है और कहती है, वैसे ये दोनों कितने क्यूट है ना, साथ में कितने क्यूट लगते हैं, लाइक ये अपने बेबी का नाम पहले ही सोच रहे हैं, कायला रखेंगे, चिस्से रखेंगे, आपको क्या नाम चाहिए? रुयु कहता है, मैत्री। अपनी मियान कहती है, हाँ तो आप इन दोनों के रिश्ते को मान गए क्या? अपना रुयु कहता है, नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मैत्री नाम अच्छा लगेगा। मियान स्माइल करती है और कहती है, ओके ओके, बट आपको याद है वैन केजिंग का नाम रखने के लिए हम दोनों कितना लड़ाई किए थे? आपको वैन केजिंग का नाम जेनियान रखना था और मुझे वैन केजिंग, कितनी लड़ाई हुई थी। रुयु कहता है, हाँ और तुम जीत गई थी। मियान कहती है, क्योंकि लीवो का नाम आपने सोचा था, तो वैन का नाम तो मैं सोच ही सकती हूँ ना। रुयु कहता है, हाँ ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ, मुझे इनकी और स्वीट स्वीट बातें सुनी नहीं जाएगी। मियान कहती है, मैं भी चलती हूँ, युवान को जरा सबक तो सिखाऊं। और ये कहते ही वो दोनों नीचे चले जाते हैं। मियान कहती है, पर आपने बहुत गलत किया है जाजुसु के साथ। रुयु कहता है, अब मैंने क्या कर दिया? मियान कहती है, वो जो दूसरी टंकी है वो बंद है ना, वो तो टंकी हम यूज़ ही नहीं करते हैं, इसलिए तो वो इतना गंदा है। यूज़ करने वाला टंकी तो हमारा कितना साफ है, और आपने उनसे बंद टंकी साफ करवाई है। रुयु कहता है, मेहनत करने में कोई खराब बात नहीं है। मियान कहती है, पर ये बेमतलब की मेहनत है। रुयु कहता है, तुम युवान से करवाओ ना जो तुम्हें करवाना है, जाजुसु को मुझे ही सौंप दो, ठीक है? अरे कहते ही रुयु वहाँ से चला जाता है। इधर बात का सीन दिखाया जाता है, मियान जो अपने गार्डन में थी, लाइक घर के पास एक छोटा सा गार्डन था जो अपने मियान ने बनाया होता है, जिसमें बहुत सारे फूल्स रहते हैं। अभी युवान भी वहाँ पर रहता है जो फूलों को पानी दे रहा होता है। मियान बोल रही होती है कि इस फूल को इतना ही पानी देना है, इतने टाइम में ही देना है, और उसको छूना मत तुम, इसको ऐसे मत करना, वो सब सिखा रही होती है। और युवान बस हाँ में हाँ मिला के सब कर रहा होता है। वूसी जो चुपके से उनको देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जाजुसु को दिखाया जाता है, जिसने टंकी साफ कर ली होती है वो टंकी से बाहर निकलता है और नीचे उतरने वाला था, पर वो वैन केजिंग पे ही गिर जाता है, लाइक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो वैन केजिंग पे गिर जाता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बट नीचे गिरने से पहले ही जाजुसु ने वैन केजिंग के जो सर होता है उस पर अपना हाथ रख लिया होता है, ताकि वैन केजिंग को सर पे चोट ना लगे। जाजुसु वैन केजिंग से कहता है, लवन तुम ठीक हो? वैन केजिंग कहता है, एकदम ठीक, तुम्हारे बाहों में रहना किसे ठीक नहीं लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे क्लोज होते हो। तो जाजुसु स्माइल करता है और कहता है, फिल्मी बातें। वैन केजिंग कहता है, ना ना ना, रियल बातें। और ये कहते ही उसके लिप्स पे हल्का सा किस करता है और कहता है, ठीक है आप उठ जाओ, नहीं तो पापा आ जाएंगे,
जाजुसु कहता है अब वो दोनों उठ जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। जो जाजुसु रहता है वो नहाने के लिए चला जाता है, बिकॉज वो बहुत ही मैसी सा फील कर रहा होता है, गंदा गंदा सा, इसलिए वो नहा के आ जाता है। चुपके से वेनकेजिंग के कमरे में जाता है और उसे जो इंजेक्शन लगाना होता है वो इंजेक्शन लगा देता है और उसके लिप पे हल्का सा सॉफ्ट किस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वेनकेजिंग स्माइल करता है एंड वो कमरे में ही आराम करने लगता है क्योंकि उसे सुई जो लगी हुई थी। बिना टाइम ऐसे ही बीतते जाता है, पूरे 3 दिन हो गए होते हैं। जाजुसु गधा मजदूरी कर रहा होता है और युवान भी, बट जाजुसु को कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा होता है और युवान को कम, क्योंकि युवान के समय अपनी मियान है और मियान इतना किसी को टॉर्चर नहीं करती है, बट अपने जाजुसु के समय रुयू है और रुयू जाजुसु को बहुत ही टॉर्चर करता है, बहुत ही काम करवाता है उससे। और 3 दिन बीतने के बाद भी लीबू ने बाई से ढंग से बात नहीं किया होता है। ये नहीं है कि लीबू बाई को इग्नोर कर रहा है, बट वो इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा है। उसने जो चांस देने का बोला था ना, वो चाहता था कि वो जैसे तैसे करके 10 दिन गुजर जाए, क्योंकि लीबू जानता था कि भाई से प्यार नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो दोनों अलग पर्सन है और लीबू नहीं चाहता कि भाई बदले, और लीबू भी भाई के लिए बदल नहीं सकता क्योंकि वो भाई से तो वैसे भी प्यार ही नहीं करता है और वो अपनी पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं करेगा, और वो ना ही चाहता है कि कोई वजह उसकी वजह से पर्सनालिटी चेंज करे। भाई ना काइंडली सा टूट गया होता है, वो एक जगह पे बैठा हुआ रहता है। अपना जाजुसु कहता है, भाई जरूरी नहीं है जो आप चाहें वो आपको मिल ही जाए। भाई कहता है, हाँ तुम तो बोल ही सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें वेनकेजिंग जो मिल गया, तुम्हें कैसे पता होगा कि अभी मेरे पे क्या बीत रही है। तो कुछ नहीं पता है, तो प्लीज़ बीच में कुछ मत बोलो तुम। अभी जो जाजुसु रहता है वो एकदम साइलेंट हो जाता है और कहता है, हाँ मैं नहीं जान सकता कि तुम पे क्या बीत रही होगी, पर मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम भी तो मुझे एक दोस्त के नाते समझाते ही, मैं तुम्हें सपोर्ट करता, बट अगर लीबू ने साफ साफ मना कर दिया है तो तुम कैसे ही उसे ज़बरदस्ती हाँ बुलवा सकते हो। भाई कहता है, जैसे तुमने वेनकेजिंग को बुलवाया था। जाजुसु कहता है, भाई वो ज़बरदस्ती नहीं, प्यार था, मैंने उससे प्यार किया, उसने मेरे से प्यार किया, फिर जाके हमारा ये रिश्ता बना है। और तुम कह रहे हो ना तकलीफ का, तुम समझ सकते हो कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपके साथ रह रहा है, तुम्हें हक कर रहा है, तुम्हें अपने पास रख रहा है, पर ये बोल रहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो कैसा फील होगा तुम ये जानते हो। सबकी अपनी अपनी तकलीफ होती है, पर भाई तुम अपनी तकलीफ को कुछ ज़्यादा ही बड़ा मान रहे हो। दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, प्लीज़ लीबू का पीछा करना छोड़ दो, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा और तुम टूट जाओगे, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अभी जब भाई होता है ना, जाजुसु को गले लगा लेता है, जाजुसु भी उसे शांत करवाने लगता है क्योंकि भाई रो रहा होता है। जाजुसु अपने मन में कहता है, सही कहते हैं, प्यार में इंसान बच्चों की तरह रोता है, और ये कहते ही उसे शांत करवा रहा होता है। शिफ्ट होती है मिंगरुंग में, और अभी नाइट का वक्त था। मिंगरुंग जिसने बहुत ही ड्रिंक कर रखा था और वो अपने घर पे ही था, 3 दिन से हॉस्पिटल भी नहीं आया था, जिस वजह से हैनहिंग उससे मिल नहीं पाया था, और मिंगरुंग ना कॉल उठा रहा था ना ही मैसेज सेंड कर रहा था, इस वजह से हैनहिंग मिंगरुंग के घर ही चला जाता है। अभी हैनहिंग मिंगरुंग के घर के गेट के पास था, वो गेट नॉक करता है तो मिंगरुंग गेट खोलता है। हैनहिंग मिंगरुंग को देख के एकदम हैरान था क्योंकि मिंगरुंग ने बहुत ड्रिंक कर रखा था, वो अपने पाँव पे सीधा खड़ा भी नहीं था। मिंगरुंग कहता है, हैनहिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हैनहिंग कहता है, आपने इतनी शराब क्यों पी है, और ये कहते ही अंदर आता है, गेट बंद करता है। मिंगरुंग कहता है, ऐसे ही अपना जो हैनहिंग रहता है वो कहता है, आप डॉक्टर हैं, आपको इतना शराब नहीं पीना चाहिए। अभी जो मिंगरुंग होता है हैनहिंग के थोड़े पास आने की कोशिश करता है, बट वो ना अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता और हैनहिंग के ऊपर गिर जाता है। हैनहिंग मिंगरुंग को होल्ड कर लेता है और दोनों में से कोई नीचे नहीं गिरा रहता है। अभी हैनहिंग मिंगरुंग का जो हाथ होता है अपने शोल्डर पर रखता है और उसे आगे तक ले जाने लगता है। मिंगरुंग भी हैनहिंग के साथ चलने लगता है। अभी हैनहिंग मिंगरुंग को बेडरूम में ले जाता है और उसको उसके बिस्तर पर सुला देता है। हैनहिंग कहता है, इतनी शराब क्यों पी है। मिंगरुंग कहता है, कुछ नहीं। हैनहिंग कहता है, आपने मुझे कभी अपना दोस्त माना है तो आप ये बात शेयर कर सकते हो, अगर आपने कभी मुझे दोस्त नहीं माना है तो आप ये बात मत शेयर करो। मिंगरुंग कहता है, दोस्त तो तुम्हें माना ही है ना, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा,
चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ है। मैं ना एक लड़के को पसंद करता था। हैनिंग कहता है, तुम लड़के को पसंद करते थे? मिंगरोंग कहता है, तो इसमें क्या हुआ? हाँ मैं करता था। मैं जिसे पसंद करता था, 3 दिन पहले मैंने उसको एक लड़के को किस करते हुए देखा। मतलब मैं जिसे प्यार करता हूँ, मेरे से प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता है। हैनिंग कहता है, आप हंस क्यों रहे हैं? तो मिंगरोंग कहता है, अपनी किस्मत पे हंस रहा हूँ, मैं तो प्रपोज ही नहीं कर पाया। उससे पहले वो किसी और का हो गया। मैं उसको सच्चे में बहुत पसंद करता था, बहुत ही अभी ज़्यादा। ना मिंगरोंग रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। हैनिंग कहता है, अब आप रो क्यों रहे हैं? अपना मिंगरोंग कहता है, अपनी किस्मत पे यार, इतनी गंदी किस्मत है यार मेरी, उसे कितना प्यार करता था, एक मौका भी नहीं मिल पाया मुझे तो। हैनिंग अब कुछ नहीं कह पाता है, मिंगरोंग के थोड़ा क्लोज जाता है, उसके आंसू ना स्वाइप करने लगता है, उसके आंसू साफ करने लगता है। हैनिंग की नज़र अभी मिंगरोंग के फेस पे जाके स्टक हो जाती है, क्योंकि मिंगरोंग बहुत ही क्यूट है और वो रोते हुए और भी क्यूट लग रहा होता है। हैनिंग जो मिंगरोंग के लिप्स के क्लोज जाने लगता है, वो अपने सेंस में नहीं था, वो धीरे धीरे मिंगरोंग के लिप्स के क्लोज जाता है, उसे ना हल्का सा किस कर लेता है। मिंगरोंग तो बस हैनिंग को देखता रह जाता है। हैनिंग फिर रियलाइज करता है कि उसने क्या किया, वो अपने लिप्स पे हाथ रखता है और सॉरी बोलता है, बट जो मिंगरोंग होता है, हैनिंग का सर पकड़ के उसे अपने क्लोज करके उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, कान में एयरफोन लगा लीजिएगा प्लीज गाइस। जो मिंगरोंग होता है वो किस करते करते थोड़ा उठ जाता है, हैनिंग भी उठ जाता है, फिर मिंगरोंग हैनिंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, धीरे धीरे कमर पे ले जाता है, नीचे बैक बम पे हाथ रख के उसे थोड़ा अपना क्लोज कर लेता है, लाइक अभी वो दोनों बहुत ही क्लोज आ गए होते हैं बेड पे। अभी जो मिंगरोंग होता है, हैनिंग को बेड पे पुश करके उसके नेक पे किस करने लगता है, और हैनिंग भी इस समय अपने वो ऐसे वाले माइंड में नहीं था कि दूर होना है, उनमें से कोई माइंड में नहीं था, और मिंगरोंग ने तो चढ़ा रखी थी। अभी जो मिंगरोंग होता है, हैनिंग के बेली बटन पे प्रेस करता है एंड उसके पूरे बॉडी को रफ करके किस करके सक कर रहा होता है, और हैनिंग बस गहरी सांसें ले रहा होता है, वो मिंगरोंग के बालों पे हाथ रख लेता है। अभी वो दोनों ऐसे ही एक स्टेप बढ़ाते 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 इंटीमेट हो जाते हैं। अभी इन दोनों को इंटीमेट होने दीजिए, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दे दीजिए, हम जंप मारते हैं वांग पे। वांग और फई अपने वांग अपने तो जेलर है, वो अपने कैबिन में ही बैठा हुआ था, और अपना फई वहाँ पे था, वो दोनों ना मिलके खाना खा रहे थे जो फई ने अपने हाथों से बनाया था। वांग बड़ा चाव लेके खा रहा था और कह रहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो सच्ची में। फई स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वांग कहता है, अब सर बोलना बंद करोगे तो मुझे वांग बोल सकते हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ बट इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे सर सर कहते रहो। फई कहता है, माफ़ कीजिएगा वांग सर। अपना वांग बोलता है, फिर से सर। फई बोलता है, आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत डरवा लूँगा। वांग कहता है, अच्छा है, क्योंकि तुम जिस हिसाब से डिलीशियस खाना बनाते हो ना, हाँ इस खाने को खाने के बाद तो दूर जाने का मन ही नहीं करता है, मैं तो इतना आलसी हो जाऊंगा कि मैं से तुम्हारे घर में ही आके खाना खाऊंगा। फई स्माइल करता है और कहता है, मंजूर है, आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार मैं बनाऊंगा। वांग स्माइल करता है और कहता है, देख लो परेशान हो जाओगे। फई कहता है, नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। वांग कहता है, तो ठीक है, और ये कहते ही खा रहा होता है और फई उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। कहानी शिफ्ट होती है जिन पे, डुआन ऐसे खड़ा था डर के, जिन एक चीज़ उठाता है डेस्क से और नीचे फेंक देता है और कहता है, 3 दिन, 3 दिन छोड़ो 4 दिन हो गए हैं, तुम एक पर्सन को ढूंढ नहीं पाए, तुम ये नहीं पता लगा पाए कि फ़ोटो किस अकाउंट से लीक हुआ है, किस अकाउंट में सबसे पहले उनकी फ़ोटो चढ़ी थी, तुम ये पता नहीं लगा पाए। डुआन कहता है, सर मैं सच्ची में पता नहीं लगा पाया, ये फोटो इतनी फॉरवर्ड हो गई है, इतने लोगों ने डाली है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हो रहा। जेन कहता है, डुआन अगर तुमने ये सब जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मुझे कुछ भी करके जावजिसु को ये बताना है कि मैंने उसकी फ़ोटो लीक नहीं की है। जावजिसु मेरे से प्यार ना करे तो चलेगा, पर वो मेरे से दूर हो जाए, वो कभी मेरे से बात ना करे
ये नहीं चलेगा डुआन, ये नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं रह सकता मैं, नहीं रह सकता। जो डुआन होता है जिनको हक करता है और कहता है सर शांत हो जाइए, जिन डुआन को अपने आप से दूर करता है और कहता है मुझे छुओ मत, तुम बस फूटो पता लगवाओ, मुझे सिंपति मत दो, और ये कहते ही जिन बैठ जाता है और डुआन मुंह बिगाड़ के वहाँ से चला जाता है। डुआन कहता है एक तो सिंपति दे रहा था गले लगा के, पर महाराज जी को तो पसंद ही नहीं आया, राजकुमार जिन नाम है तो सच्ची में अपने आप को राजकुमार ही समझते हैं। मुझे कोई अच्छा सा बॉस मिल जाए उसके पास शिफ्ट हो जाऊंगा, है इस बूढ़ा को तो झेलने का मेरे में क्षमता ही नहीं है। और ये कहते हैं डुआन गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लाइक उस घर से ही चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जाओ जिसू जो चाय बना के सबको सर्व कर रहा होता है और सब चाय पी रहे होते हैं, अपना जो युवान रहता है वो किचन में अपने म्यान की मदद कर रहा होता है। भाई जो लीबो के पास बैठा था और उससे बात कर रहा होता है, और लीबो भी उसको बस कोल्ड आंसर दे रहा होता है कि हाँ ऐसे करके। अभी जाओ जिसु अपने रुयो से कहता है ससुर जी, अपना रुयो कहता है यार ससुर जी बोलना बंद करो, अपना जाओ जिसु ऐसे नाम से हिलाता है और कहता है नहीं मैं बोलता रहूँगा, अपना रुयो कहता है बड़े अजीब हो तुम, बोलो क्या काम है। अपना जाजू से कहता है गुलशन दिखाई नहीं दे रही, रुयो कहता है कमरे में है, अपना जाजू से कहता है तुम्हें कमरे में ही चाय दे देता हूँ, और ये कह के जाजुसू जाने लगता है गुलजन को चाय देने के लिए। गुलजन जो अपने बेड पे बैठी हुई थी उसके बाल पकड़े बिखरे हुए थे, उसकी हाथ सेक कर रही होती है और वो कुछ देख रही होती है। अभी ना जाजुसू कमरे में नॉक करता है और कहता है गुलजन मैं अंदर आ रहा हूँ। जाजुसू की आवाज़ सुनते ही गुलजन फटाफट जो फ़ोन में देख रही होती है उसे कवर करने लगती है, लाइक अपने फ़ोन को पीछे कर देती है और स्क्रीन को लॉक कर देती है। अपना जाजुसू ये नोटिस करता है बट वो कुछ कहता नहीं है। अब ये जाजुसू गुलजन की तरफ देखता है और कहता है तुम थोड़ी उदास लग रही हो, कुछ बात है क्या। गुलजन कहती है कुछ बात नहीं है, कमरे से निकल जाओ। जाजुसू कहता है तुम बहुत अटक रही हो, अगर कोई बात है तो बोलो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गुलजन कहती है मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, और अपना ये चाय ले लो अब और यहाँ से चले जाओ। अपना जाजू से कहता है पर चाय तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। गुलजन कहती है मुझे पीने का मन नहीं है। अभी जाजू से बहुत नोटिस कर रहा होता है कि गुलजन ना बार बार अपने फ़ोन को ही कवर कर रही होती है, लाइक फ़ोन को तेज तेज होल्ड कर रही होती है। जाजू से कहता है गुलजन बड़े भाई जैसा हूँ तुम्हारा, अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आई प्रोमिस। गुलजन कहती है तुम क्या ही कर लोगे, अब निकल जाओ यहाँ से। अपना जाजुसू अपने नीस पे बैठ जाता है, गुलजन अभी बिस्तर पे बैठी थी, जाजुसू अपने नीस पे बैठता है, गुलजन का हाथ पकड़ता है और कहता है छोटी बहन जैसी हो तुम मेरी, और मैंने तो प्रॉमिस भी किया है कोई बात नहीं बताऊँगा किसी को भी। अच्छा ठीक है तुम्हें मेरे प्रॉमिस पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं वेनकेश सिंह की कसम खाता हूँ जो भी बात है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तुम मुझे बता सकते हो। अभी जो गुलजन होती है ना अपने जो फ़ोन होता है उससे थोड़ा आगे करती है, लॉक को खोलती है और उसको हल्का सा हाइड करके फ़ोटो बताती है जो गुलजन की ही फ़ोटो थी। जाजुसू कहता है तुमने अपने फ़ोटो को कवर क्यों किया है। गुलजन रोते हुए कहती है क्योंकि मैंने कपड़ा नहीं पहना है। अपना जाजुसू कहता है क्या। गुलजन कहती है प्लीज़ धीरे बोलना, मैं परसों पार्टी में गई थी, मैं मुझे नहीं पता था उन्होंने मुझे ट्रिक में कुछ मिला के दे दिया, और जब मैं सो रही थी तो मेरी गलत फोटो क्लिक कर ली, कहाँ वेनिंग भी यहाँ पे नहीं है, किसे बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुलजन रोने लगती है तो जाजुसू उठ जाता है और गुलजन को हक कर लेता है, लाइक उसका सर पकड़ लेता है और उसे सहलाने लगता है और कहता है तुम फिक्र मत करो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करूँगा। वो लड़के क्या कह रहे हैं। गुलजन कहती है पैसे मांग रहे हैं, इतने पैसे मेरे पास है भी नहीं, मैं कैसे दूं। जाजुसू कहता है मैं दे दूंगा पैसे। गुलजन कहती है बिग अमाउंट है। अपना जाजुसू कहता है फिक्र मत करो मैं दे दूंगा पैसे, तुम ज़्यादा मत सोचो, पैसे भी दे दूंगा और ये जो तुम्हारे फ़ोटो है ना वो भी डिलीट करवा दूंगा। अभी उनको पैसे भिजवा देते हैं ताकि वो अपना मुँह बंद रखें, फिर बाद में उनकी तो खैर नहीं, मैं वादा करता हूँ, ये वादा है जाजुसू का गुलजन से कि उनको जेल की हवा ना खिलवाई तो मेरा नाम भी जाओ जिसू नहीं। गुलजन कहती है अगर वो जेल जाएंगे तो उन्हें इन सब के बारे में पता चल जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी जाओ जिसू। जाओ जिसू कहता है तुम अपने भाई पे विश्वास करो, तुम मुझे भाई मानो और मेरे पे विश्वास करो,
ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हारे बदनामी हो। भाई कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की बदनामी हो। तुम मुझे बताओ कि उनको पैसे कितने देने हैं, कहाँ पे देने हैं, कैसे देने हैं। अभी उनको पैसे दे देता हूँ मुंह बंद करवाने के लिए, फिर उनका मुंह ऐसा बंद करवाऊँगा कि वो कभी भी बोलने लायक नहीं रहेंगे। उनकी करियर को ऐसे डुबाऊँगा कि वो कभी उठने लायक नहीं रहेंगे। अभी जाजू सुना हल्के से गुस्से में था। गुजियान का रोना शांत हो गया होता है और वो जाजूसू को ही देख रही होती है। हमें जाजूसू को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल करता है और कहता है, कोजी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो इधर कोजी से बात करने के बाद जाजूसू एक और इंसान को कॉल लगाता है और कहता है, अनाया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और क्या बात करनी है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जे वेंसू लिखना मत भूलिएगा।